नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग आरजी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्फिनिक्स की सब ब्रांड कंपनी स्नोकॉर की तरफ से आने वाले एक बजट वायर्ड ईयरफोन की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग बिना किसी देरी के। दोस्तों, यह रहा अमेज़न का बॉक्स, करते इसको ओपन। निकालते इसके अंदर कंटेंट, बॉक्स के अंदर क्या मिलता है देख लेते हैं। एक स्नोकॉर का बॉक्स और साथ एक बिल जो कि है 449। रखते इसको साइड में, आ जाते हैं बॉक्स पे। तो बॉक्स के फ्रंट लुक की बात करें तो दिया है स्नोकॉर की ब्रांडिंग, साथ ही दी है ईयरफोन का फर्स्ट लुक। नीचे लिखा हुआ है बेस स्टॉप, नीचे कुछ हाईलाइट मेंशन की गई है। इसमें दिया हुआ है बिल्ट इन माइक, 2x पावरफुल बेस, स्मूथ वॉल्यूम स्लाइडर। अब बैक साइड आ जाए दोस्तों, तो बैक साइड भी कुछ हाईलाइट मेंशन की गई है। इसमें दिया है 14.3 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर, टेंगल फ्री केबल, लाइट वेट, प्ले पॉज म्यूजिक, नेक्स्ट ट्रैक, पिक एंड म्यूट अनम्यूट कॉल, वर्क विथ वॉइस असिस्टेंट। नीचे प्राइस मेंशन की गई है 799, पर प्राइस के बारे में बाद में बात करेंगे। अब खोल ओपन करते हैं इसको। तो बॉक्स के अंदर क्या मिलता है, बॉक्स के अंदर मिलता है दोस्तों आपको एक छोटा सा यूजर मैनुअल, कहा जाए तो स्पेसिफिकेशन। इसको रखते हैं साइड में, बाद में पढ़ेंगे। और देख लेते हैं क्या मिलता है बॉक्स में। एक ईयरफोन और बॉक्स बिल्कुल खाली, करते हैं इसको साइड। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं ईयरफोन पे, करते हैं इसको ओपन। खोलते हैं पाउच को, निकालते हैं ईयरफोन को, रखते हैं साइड। खोलते हैं इसकी लिड, पहले बात करें दोस्तों इसके वेट की, तो मात आपको 18 ग्राम का मिलता है। हाथों में बिल्कुल लाइट फील होता है, यूज़ करने में कानों में आपको हैवी फील नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों, थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन दिया गया है। सिंपल बोले तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जैक से लेकर इसके माइक तक जो वायर यूज़ किया गया है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी पैटर्न यूज़ नहीं किया गया है। पर दोस्तों, जो माइक के ऊपर आपको स्पीकर मिलते हैं वो थोड़े अलग प्रकार से बनाए गए हैं, लाइका ईयरपॉड आप देख सकते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार बनाया है दोस्तों ताकि आपके कानों में परफेक्ट फिट हो सके, जैसे कि हाफ इन ईयर स्टाइल कह सकते हैं इसको। आप आराम से ऐसे कानों में यूज़ कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो जिस प्राइस पे इसे लॉन्च किया गया है, उस प्राइस पे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं होगी। हालांकि इसके ईयरफोन पे पूरा ही TPE मटेरियल यूज़ किया गया है, पर दोस्तों जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। और जगह जगह आपको इस पर मेटल का यूज़ मिल जाता है, देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप जैक पे मेटल का यूज़ होता है दोस्तों, और इसके माइक पे भी मेटल का यूज़ है, यहाँ तक कि इसके स्पीकर स्टिक्स पे भी मेटल का यूज़ है दोस्तों। तो आपको इस प्राइस पे कोई शिकायत नहीं होगी इसकी ड्यूअलिटी से। बस थोड़ा सा ये होता कि अगर इसमें आपको ब्रेडेड केबल मिल जाती तो इसकी मजबूती और बढ़ जाती, पर दोस्तों आपको जितने में प्राइस में मिलता है वो अपने प्राइस पे जस्टिफाई करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एक ओवरलुक की। तो सबसे पहले मिल जाता है आपको दोस्तों एक 3.5 mm का सिल्वर कोटेड जैक विद मेटल फिनिशिंग के साथ। उसके ऊपर आते हैं दोस्तों तो आपको मिल जाता है एक माइक विद स्नोकॉर की ब्रांडिंग के साथ। इसके पीछे आपको दिए हैं दो बटन, पहला बटन आपको दिया है मल्टीफंक्शन बटन, दूसरा बटन आपको मिलता है वॉल्यूम स्लाइडर। तो मल्टीफंक्शन बटन का यूज़ दोस्तों, जैसे कि आप कॉल को कनेक्ट डिसकनेक्ट, म्यूज़िक को पॉज एंड प्ले, म्यूज़िक को प्रीवियस और नेक्स्ट, और इसको प्रेस करके दोस्तों आप गूगल असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। और बात करें इसके वॉल्यूम स्लाइडर की, तो आप इससे वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉल का वॉल्यूम हो उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, म्यूज़िक का वॉल्यूम हो उसको भी आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अगर दोस्तों इसको नीचे करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, देख सकते हैं दोस्तों, और अगर इसे ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके ऊपर की, यानी इसके स्पीकर की। तो स्पीकर का जो डिज़ाइन दिया है दोस्तों,
वो हाफ इन ईयर स्टाइल दिया है, इसमें आपको मेटल का यूज मिल जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आपको 14.3 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी आप आगे सुनेंगे। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी चेक, मैं भी सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा, और बताइए कमेंट में कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। दोस्तों साउंड क्वालिटी तो अच्छी है, आप भी सुन रहे हो, ये दोनों माइक के सुनिए। तो दोस्तों आप भी सुन सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है, जिस प्राइस में इसे लॉन्च किया गया है इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको इसकी साउंड क्वालिटी से कोई भी शिकायत नहीं होगी, आपने सुना है, आप बताइए कमेंट में कैसी लगी इसकी साउंड क्वालिटी, इसे 449 में खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों स्नोकॉर्न ने जिस प्राइस पर इसे लॉन्च किया है उस प्राइस पर ये अपने आप को जस्टिफाई करता है। इसमें आपको बहुत से फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है इसमें एक तो 14.3 mm के बूस्ट बेस ड्राइव मिल जाते हैं आपको, दूसरा आपको टेंगल फ्री केबल मिल जाती है, तीसरा आपको इसमें एक वॉल्यूम स्लाइडर मिल जाता है, जिससे कि आपको फ़ोन को अपनी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, आप इसे आराम से 6 महीने साल भर खूब यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो अमेज़ोन पर आपको ये 3 कलर में अवेलेबल है, पहला आपको रेड मिल जाएगा, दूसरा ब्लैक, तीसरा आपको ग्रीन। तो जो है मेरे पास वो रेड है, अगर आपको ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आप वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।